Sonia. Es aquí. Cante chit gaya. Namik chur mare dohagni. नानक चूर मरे दोहागनी जिन अवरी लगाने हो जिन अवरी लगाने हो इसमें के हाथ किछ ना है जिन के में पठाया इंद्र वर्षे कर दया लोका मन उपजा चा लोका मन उपजा चा जिसके हुक्म सावन आया झिमझिमा ख्याल देते बहुत कुछ जीवन दिया लोगों ने ऐसी गल नहीं जिसने जीवन दिता है ना उन्हें जीवन दिया लोड़ा का प्रबंध भी कर दिता है। मैं एक बार कहती सी मां को दुध उदो आता है जो बच्चा जन्म लेता है जिसने भेजे उन्हें इंतजाम करना किसी भी जानवर पशु गौआ ने मझां जो वछड़ा जन्म लेंदा है ना उस तो बाद थलम च दुध आ जाता है पहला क्यों गुरु ने पानी दे दो हरफी फैसला किया जिन उपाय मेद ने सोई करता सार जिन पदाइश तो किया सोई दे आधार घट घट मालिक दिलों का सच्चा परवेदार मैं कई लफ्ज़ दोहराने पेंदे कई बार हैरान होना कि आम जीवन विच असी उस नियम नु पालने हां साडे घर कोई बच्चा जन्म लवे असी परिवारिक तौर ते अगे वधीए ते मां गैर जिम्मेवार हो गई जां बापू गैर जिम्मेवार हो गए असी एक सवाल पहला खड़ा हम तो इकल्ला नहीं आम रोजाना जीवन की इकल्ला नहीं हम तो इकल्ला नहीं परिवार वाले बच्चिया वाले संतान वाले
अपनी जिम्मेवारी का एहसास कर इन्हां दी हर लोड़ दी पूर्ति किन्ने करनी है, ये साडी रोजाना जीवन दियां आम गल्लां ने। इन्हां दी लोड़ां दी पूर्ति किन्ने करनी है, साडे मन विच असीं एक दूजे नूं इह सवाल करदे हां। इहदा मतलब मनदे हां कि जदों साडे घर कोई जीव आवे निरंकार प्रभु ओनू असीं गैर जिम्मेवार समझने, असीं किसे बच्चे नूं जन्म देईए तां ओहदे जिम्मेवार ना होईए, लोकां दा उलंभ है। रब अपनी रसना तो कह रहा है, बाणी तो आखिर असीं इहो आखदे हां तुर की बाणी आई जैसी मैं आवे खसम की बाणी, उस बाणी च इह गल कह रहा है सब को मात पिता। बड़ा बड़ा परिवार है उस, इसलिए मात पिता के नाल ही अगले पासे एक लफ्ज बन दिता है सबको मात पिता प्रभु पालक। किड़ा माता पिता है वो प्रभु पालक, उनकी जिम्मेवारी सबको मात पिता प्रभु पालक जी प्राण सुख सागर है देन दे टूट नहीं इस करते देंदे टूट नहीं इस जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार जिन पदार्श तू किया सोई दे घट मालक दिलाका सच्चा परमदिगार। जी असी जिम्मेवार तां ओ भी अपने परिवार दा जिम्मेवार है, पता नहीं यो कारण है उस जिम्मेवारी निभांदिया होया कि संसार नूं पैदा कीता है जगत नूं सिरजे है तो इहदियां लोड़ां की ने, लोड़ां की ने, इहनूं हवा दी भी लोड़ है, इहनूं पानी दी भी लोड़ है, इहनूं अग दी भी लोड़ है, साडियां लोड़ां ही ने ना, बहुत सारिया चीजा की लोड़, फल फ्रूट की भी लोड़ है, इनू अन्न अनाज की भी लोड़ है, इनू हाथ दते ने हाथों में शक्ति की भी लोड़ है, बाणी अंदर हर गल बकायदा तरतीब दी। कहते ने रब सोचता है इनू कण दते ने बिच सुन शक्ति की भी लोड़ है, अखां दित्तियां ने उस अखां विच देखण शक्ति दी भी लोड़ है। पिछले दिन की गल चली सी कि अखां च सब कुछ नहीं, उहदे अंदर कोई जोत है, ते जे ओह ना होवे कईआं दी अखां बिलकुल साबत हुंदियां ने, ठीक ठाक हुंदियां ने, डॉक्टर आखदे ने कि पिछे कोई जोत नहीं दिस सकदा, नहीं देख सकदा, अखां नूं देख के उहनां दी बनतर नूं देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह देख नहीं सकता, पर उहने जोत रखी है। गुरु ने भी आख दिता जय प्रसाद सुने करण नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहज बसना,
जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समा, ऐसा परम क्या अवर कत लागो कि तू समझ रहे किसी होर दे हाथ विच है, ना किसी होर दे सहारा लेना, गुरु प्रसाद नानक बंदा को इस भी सुखमणी साहब अंदर बहुत सारी गल्लां सुन बड़िया स्पष्ट ने, इसे लुकवी भाषा विच कन्फ्यूज करने वाली भाषा विच नहीं, जय प्रसाद पी मैं शीतल जगह प्रभु तेरे वास्ते पानी की तेनू लोड़ है, लो इतने रुक ना साडा अरदास चली सी जिहड़ा शब्द है उहदे विच की है पानी की लोड़ है, धरती के थले भी पानी रख दिता है ते उपर वो भी पानी दिता, कई बार ऐसा होंदा है उच्चे पर्वतां ते उच्चियां थावां ते थले वाला पानी कम नहीं दिंदा, टिब्बे ऐसे ने जिथे थले वाला पानी कढ़ना प्राप्त करना औखा होंदा है, बारिशां पैंदियां ने मीह पैंदा है ते ओ मीह ये नहीं सोचदा टिब्बे संभाल ना सकने एक वक्रा विषय है, पर वो हर थान ते अपना विरसा छड़ता चला, मालिक ने सिलसिला बना दे और अजीब गल है वो पानी ते दा संभाल भी आप करदा है, असी उस नु खराब कर रहे हैं, आज भी बार बार देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते भी आ रहे हैं कि धरती के थले का पानी भी असी योजना चीज़ा योजे कमान खराब कर निरंकार ने खराब, बल्कि मैं तो एक बार अर्ज की कि अजीब गल है जिनी देर पानी निरंकार वालों है उन्नी देर जूठा नहीं होंदा, बुरा नहीं होंदा, पुराना नहीं होंदा, नलके का पानी कढ़ी दा सी मैं ताज़ा पानी लिया कदे तू ताजा तो कही जाने जो ये बाहर रखा गया दो चार दिन दस दिन भला किसी मटके घड़े पा के रखे हो दस दिन टुटिया रहे बहरों आईए तो आखो पानी नहीं भी ताज़ा पानी लिया किन्ने दिन हो गए ने पा के रखे हुए वो किन्ने दिन हो गए ने पा के रखे गिनती देने दस दिन होए पंद्रह दिन होए धरती के थले रखे हुए है उत्थे तो गिनती कोई नहीं भी पता नहीं किन्ने वरे किनिया सदियां गुजर गई ने रखे उतों कढ़न लगे तू कभी नहीं आख्या ब्याह हो गया वो पानी ताजा है सदियों बाद भी वो पानी ताजा है क्यों क्योंकि मालिक ना है हूँ उन्हें तो तेरे हाथ लग गए ने बहर आ गए तेरे हाथ से आए तेरे हाथों की छो नहीं उन्होंने शक्ति खो रही उन्होंने बासा होने लग मैं फर्ज की कई बार असं देखने कि धरती जी है ये असं मकान बनाने तो मकान की तारीख लिखी जाती है कदों बनया तो जे उ लिखत के मुताबिक इतने भी तुम देख लो जो मकान बेचते हो उ लिखत होंगी किन्ने साल पुराना है जिन्ने साल ज्यादा हो गए हूँ मकान बने उन्नी उनकी वैल्यू घट जाती है पुराने जी मकान बहुत पुराने पर कभी किसी ने यह नहीं आखी भी धरती जिंद तू बने वो कितनी पुरानी कभी उनकी कीमत नहीं घटी मकान की कीमत घट जाती पुराना होना धरती सदियों युगों पुरानी है पता ही नहीं कदों बनाई है मालिक ने पर उन्होंने कभी कोई पुराना भी नहीं आखता उनकी वैल्यू भी नहीं करती क्योंकि मालिक ने बनाया मकान तू बनाया सी मकान तू बनाया सी धरती तू नहीं बनाई धरती उन्हें बनाई उनकी हर एक चीज ताजी है ते अपनी संतान लिए उन्हें ताजी रखनी है हर भी चाहता अपने बच्चों चंगी स्वच्छ
चीज पेश की थी मैं खुराक में श्वास लेती जा मेरे मालिक ने भी रहमत करके हर एक चीज ताजी रखी जिड़ी उन्हें बनाई है ताजी बल्कि इतों तक आ गया बाणी अंदर कि मान लो ये धरती एक बड़ी वड्डी देग है देग अपनी प्राणी इधरी पंजाब की बोली जिस मतलब होता सी खाना बना के संभाल के रखा जाए कह लगे रब ने भी धरती एक देग बना दी जिन्हें दुनिया के पदार्थ सन अपने जगत लिए अपने संसार लिए अपने बच्चों लिए जिड़े उन्हें पैदा किए जी उनकी सृजना से उनके लिए उन्हें इस धरती की देग में बना के रख दी हम तुम देखो जिड़ी चीज की तुम्हें लोड़ है वह सारिया लोड़ा धरती तो पूरी होंगे हर एक चीज की वरतों धरती तो भावें लोहा है भावें सोना है भावें पानी है भावें कोई फ्रूट है भावें कोई अनाज है भावें मकान बनाने की लकड़ी है हर एक चीज का सब धरती नाल रब ने रहमत करके सारे को इको बार इन दे दिता है कि मेरे बच्चों की मेरी संतान का तू ख्याल रखना है गुरु ने पानी भी चक दिता धरती बेग मिले इको बार बना के रख धरती में सब कुछ संभाल दिता मैं संभाल के रख जिथे मेरा कोई बच्चा मेरा कोई याना लोड़ पवे ते तेरे को मंगे मशक्कत करे तेरे को कोई प्राप्त कर तू देन तो ना ना कर धरती देख मिले इगवारी भाग तेरा भंडारी उस भंडारी ने तेरे भागा विच लिखिया होया जेड़ा जेड़ा वस्तु जेड़ा पदार्थ भी न है सी ना धरती की देग विच रख लेता है कौन तेरा फर्ज की है तू महसूस करें कि इस धरती विच भी जेड़ा कुछ मैनू धरती ते बाहरों धरती विचों पैदा करने लिए साधन मिलते हैं मसल आसमान तो पानी है धरती दे विचों भी पानी है आसमान तो भी मिलता है गुरु ने बाणी विच भी आख्या कहिंदे ने वेख मेघ थां थां फिर के बरसदा है बल्कि किसान नूं मुखातब करके एक गल बड़ी खूबसूरत है इत्थे भी आखूं पानी की किसान जरूरत सी लोड़ सी फसल बीजी है वो फसल नूं पानी चाहिए किसे पासे थोड़ी जी रिश्क हो पानी की बारिश की और लग जाए ना मिले फिक्र ते चिंता लग जाती है बारिश नहीं होनी हालांकि पानी धरती तो थले भी है क्या धरती मध्य पानी ना ही धरती थले पानी नहीं पर फिर भी वो पानी उपरला ढूंढता है चाहूंगा ओना काम हर थां ते पहुंचता थले वाला पानी नहीं कर सकता जिन्ना उपरला थां थां कर सकता इसलिए ओ जे कितों लिश्क थोड़ी जी भी होवे ना घर तो बाहर निकल निकल वेखदा भला कितरों बदल आ रहे ने ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਵਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੜੀ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਚਿੱਤਲੇ ਬਸ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਵਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਛ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਛ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਸੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਵਣ ਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਵ
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਵਾ ਰੰਗ ਲਿਆਏ ਸਾਵਾ ਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਸਾਵਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਵਣ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਵਣ ਬਿਰਛ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸਾਵਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਪੈਣ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾ ਛਾ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬੱਦਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਮੇਘ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੈ ਪੁਕਾਰ
स्पष्ट कर देना चाहना, हे बबीहा, जल में तेरा वास है, जल ही मैं समाए, जल की सार न जाने ता तू कूकन पाए, तू पानी विच रहना, पानी विच तेरा जीवन है, कि तू पानी दी मुंह नहीं जानता, समझता नहीं कि पानी की है, तू ऐसे ले फिर पानी 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 पिया कूकने इंदा मतलब कि मनुख पछाण नहीं सकता मेरी चिंता हरण वाला कौन है। बल्कि एक और शब्द अंदर बड़ी खूबसूरत गल बिरता डाल रखी है, कह लगे बबीहा बबीहा एहो जगत है मत को परम विश्वास हो गया दुनिया के लोगों तुसी भी कितने भुलेखे विच ना रह जायो, असल विच संसार ही बबीहा है। किहड़े पासे मोड़ करता सारी गल कहन लगे बबीहा एहो जगत है, इस संसार ही एक बबीहा है, मत को भरम भुलाए दुनिया भुलेखे विच ना रवे कि बबीहा कोई होर है, इस संसार ही बबीहा है। कहन लगे किवें, कहन लगे लड़निंदर ए बबीहा पशु है, बबीहे नूं एक पंछी नूं तां मैं आखांगा कि वह पशु सी, पंछी सी, जानवर सी, उन्हूं ज्ञान नहीं सी, इसलिए पानी विच रहिंदे होइआं वह यह ना जान सकिया कि पानी कित्थों मिलदा है। कहन लगी मैं तां संसार दे लोगां नूं वेख के हैरान हुंदा, यह तां बबीहे वांगू पशुआं वाली अज्ञानता लई बैठे ने, सारे पदार्थ देण वाले नूं पछाण ही नहीं रहे। ये जगत है मत को भरम भुलाए, अगली लाइन में कह लगे ये बबीहा पशु है, इसको बूझना है। उन्होंने समझिया मेघ पिया वसदा बस ऐसे दी रहमत नाल मेरी किसानी ते मेरी हरियावल है, उन्होंने यह नहीं पता भी मेघ अपनी मर्जी नाल नहीं बस रहा, तू समझने इंद्र बस रहा, इंद्र अपनी मर्जी नाल नहीं बस रहा, आ गल समझनी है, इन्हां दी अपनी मर्जी कुछ नहीं, तू समझना पे। अज भी हिंदुस्तान में चले जाओ ऐसे कबीले ने इत्थे जिहड़े लफ्ज़ आए ने ना करन पला करे, जिन्हां ते रहमत हुंदी है वह रब नू हिरदे विच वसांदे ने, समझदे ने कि साडा राज़िक वह है, ते कहिंदे ने जिन्हां ते नज़र नहीं ना वह ते करन पला करे, तरह तरह दे ढंग वरत रहे ने, भला इत्थों मिल जाए, भला इत्थों मिल जाए। ते मैनूं याद आई हिंदुस्तान अंदर एक कबीला है जिन्हां दे मन अंदर एक अजीब किस्म का भरम है,
जे कभी उन्हां दे उस एरिए विच बारिश ना पवे ना अपने पंजाब विच वी तुसीं कई वार वेख्या होणा पिंडां च जग करदे ने वे करदे ने पर उह तां इदों वी बहुत अग्गे वध जांदे उस तरीके नाल जे कभी बारिश ना पवे अपने इलाके विच तां उत्थों दीआं बीबियां औरतां सारे वस्त्र उतार दिंदियां ने ते नगन हालत विच बाहर आ जांदियां ने उत्थे गीत गांदियां ने कि हे इंद्र देवता असी नहाउणा चाहुंदियां साडे लई पारी भेज के जिहड़ियां नगरां दियां औरतां नगन हो के बाहर आ जांदियां ने ते गीत गाउंदियां ने हे इंद्र देवता रमत कर असी नहाना चाहिया साढ़े लिए पानी भेज पर गुरु ये कहता है इंद्र देवते की अपनी मर्जी है दुखांत तो यह है कि ब्राह्मणिज्म ने हर एक चीज देवते नाम थले एक वक्रे शक्तियां बना के उन्हें उचवाड़ दी तो गुरु कहता नहीं मालिक एक है जगत भिखारी फिरता है सब को दाता ना किसे और देवी देवते को कुछ नहीं मिलना बड़ी अजीब गल है मैं तो हैरान हूं साढ़े लोग ही कहने पैणगे साढ़े स्वरूप वाले साढ़े नाम वाले लिखिया उस पर किन्ने पा दिते मैनू नहीं पता कदों पा दिते कुछ पता नहीं हैरान होना की उपड़ते ने ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਸਾ ਤਿਆਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਵਣ ਆਈ ਦੁਰਬਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੰਦਰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਛੀਨ ਲਈ ਠਕਰਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਠਕਰਾਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਖੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਪਜਾਤਰ ਸਭੇ ਦੇਵ ਭਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਾਸਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕਾਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ
ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਲੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ, ਦੀਵੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਅਵਸਨ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਮੂੜ ਅੱਧ ਵਿਆਪੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰ ਸਰਮਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਘ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਹ ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰ 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 ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੋਂ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਦਿੱਖ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਪੀਜੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ, ਹੁਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਣ ਲਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ
कभी तू सोचिए मैं अंदर देखा भला जीवन की है, तेनू पता देख ही नहीं सकता ना। तो कदे किसी डॉक्टर नु आख्या भी अंदर कोई ऐसा साधन बना कि मैनू जीवन की फोटो खिंच दे, किते कोई अंदरों मैनू जीवन का एक्सरे करके दे दे। क्योंकि तू मन के विचार छड़ दते ने कि अदिख चीज देखी नहीं जा सकती, माणी जा सकती है। जीवन अदिख है, देखने की लोड़ नहीं। माण जिनी देर तेन मिले ते जे तेन जीवन प्रति यह भरोसा है कि देखा नहीं माणिया जा सकता है, तो जीवन देन वाला जिन्हों रात भी लवजाए सन कि जियो हमारा जियो देन हारा, जो जीवन देन वाला है वह अदिख है, झगड़ा तो इख्तलाफ पैदा करना वह भी ये वेख भी उन्होंने मानना है, उनके हुक्म मनने की आदत बनानी है, तो यह समझना है कि जो कुछ संसार अंदर मैं मिल रहा है ये किसी के हुक्म विच है। तो गुरु ने इस लाइन अंदर एक एग्जाम्पल बना के किसान की यो गल आखी कह लगे उसने पैदा कर दिता है। इस धरती की देख विच सारा कुछ उसने रख दिया। कह लगे उसने एडा गैर जिम्मेवार न समझ कि तेनू किसी होर धरती भी जाना पवे, किसी होर धरती भी जाना पवे। मैं एक बार एग्जाम्पल दी कि साडा बच्चा साढ़े को खलोती है, अचानक कोई घर का बेशक रिश्तेदार ही चाचा ही आ जाए, तो उठ के 10 रुपए उनके को मंगन लग पवे, किसी चंगा समझने अपनी हद तक समझने। स
समझने आप ये की आखेगा भी इन कर्म कुछ नहीं मिलता। जे सामने ना भी आखिए तो जो वो चला जाए वो तो बच्चे भी चिड़की दे तो कहीं ना किसी को कुछ नहीं मंगी दो रोजाना जीवन ते कह लेंगे सोची दे सोचो भी जे भला गुरु दे रब दे हुंदिया होया असी रब नूं इग्नोर करके किसी होर कोलों कुछ पुछ गया मेरा रब है तू मैनू कुछ दे दे तू मैनू कुछ दे दे ताकि वो प्रभु जिसने सानू सिरज के सब कुछ तेरे लिए संभाल के धरती की देग विच रखे है जिहड़ा तेरे जन्म के नाल ही माता दे मस्तन विच दुध दे दिंदा पहुँचा दिंदा कि वो नाराज नहीं हुंदा वो नहीं सोचता भी तो मेरी बेदबी कर रहे मेरे तो इनू भरोसा ही नहीं मेरे तो इनू विश्वास ही नहीं इसलिए मालिक का दर छड़ के किसी होर दे दर दा मंगता नहीं पड़ना भावें कोई देवी देवता होवे भावें कोई संसारिक मनुख होवे एक मालिक दे दर दा भरोसा रखना है यो सिख दे सिखी है निशानी ये हुई है कि सिख किसी होर दर दे नहीं जाता दर दर दा मंगता नहीं बनता इन्हें शब्दों नाल खिमा दा जा चुका फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा।